Hello everyone, today we will solve from question number 4 of practice sheet chapter 10, topic is measurement, class 5th bow math. मैं class 5th की bow math को solve कर रहा हूँ. मैं chapter 1 से लेकर अब तक जितनी वीडियो बनाएंगे मैंने उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दिया है. इस प्रैक्टिस शीट का पार्ट 1 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक हो चुके हैं. तो आज की वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे. न्यू बुक में, न्यू एडिशन में पेज नंबर 209 पर रखी है, लास्ट में सारी एक्सरसाइज के बाद लास्ट में. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 है, राइट ईच मेजरमेंट इन डेसिमल फॉर्म एंड फाइंड द प्रोडक्ट. जैसे ए दे रखा है 58 kg 275 ग्राम को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसका 14 से मल्टीपल करेंगे, क्या आएगा देखते हैं. तो 4 का ए पार्ट क्या दे रखा है, 58 kg यानी कि 58 किलोग्राम, 275 ग्राम, और इसका मल्टीपल हमें करना है 14 से. तो इसका सॉल्यूशन लीजिए, फर्स्ट वी विल चेंज 58 kg 275 ग्राम इनटू डेसिमल. तो हम इसको क्या ले सकते हैं, 58 kg + 275 ग्राम. अब दोनों को केजी में कन्वर्ट कर लो, तो 58 kg तो यही प्लस 275 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए करते 1000 से, तो ये पूरा मिलकर क्या आ जाएगा केजी. तो कितना हो गया ये 58 प्लस 250, ये 275 है, यहाँ 57 लिख लिया, 275 है, सॉरी ना बुक में देखूँ 275 ही है. तो 275 में 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.275 आ गया, इसको ऐड कर दिया तो ये आ गया 58.275 kg. तो ये डेसिमल कन्वर्ट हो गया, पहले डेसिमल में नहीं था, अलग दे रखा था, इसको हमने लिख लिया 58.275 kg. डायरेक्ट भी लिख सकते हो लेकिन कैसे होता है इसलिए मैंने पूरा प्रोसेस समझा दिया. अब हमें मल्टीपल करना है 58.275 and 14 का. तो 14 की टेबल तो याद होनी चाहिए, हैं तो लिख देता हूँ मैं, 14 5 70 carry 7, 14 7 98 98 और 7 105 का 5 आ गया. अब कैरी बचा 10, 14 2 जा 28 और 10 38 का 8, अब हो गया कैरी 3, 14 8 जा 112 112 और 3 115 का 5 कितना रह गया कैरी 11, 14 5 17 और 11 81, और 3 प्लीज के बाद डेसिमल 3 डिजिट के बाद 1 2 3. तो आंसर आपका आ गया इसका प्रोडक्ट 815.850 kg. क्लियर, या लास्ट के जीरो लिखो ना लिखो ध्यान, तो 815.85 kg. तो ये कंप्लीट हुआ. नाउ बी पार्ट, बी पार्ट है 8 kiloliter 646 liter, और इसका मल्टीपल करना हमें 8 से इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है. तो इसका भी सॉल्यूशन देखो क्या लिखेंगे, 8 kiloliter 646 liter इक्वल टू, डायरेक्ट लिख सकते हो आप चाहो तो, क्योंकि हमारे में लीटर को अगर हम किलोलीटर में कन्वर्ट करें तो क्या करते हैं 1000 से डिवाइड, तो ये हो गया किलोलीटर. तो कितना हो गया 8, तो ये और 1000 से करना है, सॉल्व किया मैंने 1000 से, तो 6 पढ़ना है 8 मत पढ़ना 6 4 6, और ये कन्वर्ट हो गया किलोलीटर. तो कितना आ गया 8.646 किलोलीटर. तो ये डेसिमल कन्वर्ट हो गया. अब हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है इसका 8 के साथ, इसका और 8 का, तो 8 का मल्टीपल कर दो उसमें, तो 8.646 × 8 कितने किलोलीटर आएगा, 8 की टेबल तो इजी होती है सबको मालूम होता है. तो कितना हुआ ये 8 6 जा 48 carry 4, 8 4 जा 32 4 36 carry 3, 8 6 जा 48 3 51 carry 5, 8 8 जा 64 64 और 5 69, और 3 डिजिट का डेसिमल, तो ये कन्वर्ट हो गया किलोलीटर में. तो ये बी पार्ट भी कंप्लीट हुआ. अब है इसका सी पार्ट. सी पार्ट में हमें दे रखा है 26 liter 275 milliliter, और इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है 15 के साथ. इसका भी सॉल्यूशन लें, सबसे पहले हम 26 liter 275 milliliter को डेसिमल में कन्वर्ट करें. इसका मतलब क्या है, 26 लीटर तो ये है प्लस 275
क्या हो रहा है आज, गलत सलत कनेक्ट फ्रॉम 275 मिली लीटर, जल्दी जल्दी ना करें आराम से। तो ये हो गया 26 लीटर क्या कहते हैं, मिली लीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 1000 से डिवाइड, और ये कन्वर्ट हो जाएगा लीटर में। क्यों? क्योंकि 1000 मिली लीटर बराबर होता है 1 लीटर, या दूसरे शब्दों में तो 1 मिली लीटर बराबर 1/1000 लीटर। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 16.0275, क्योंकि 3 डिजिट का डेसिमल लगेगा, ये कन्वर्ट हो गया लीटर में 26.275 लीटर। अब इसका मल्टीपल किससे करना है, 15 से कर देते सही आंसर आ जाएगा। तो हमें 26.275 × 15, 15 की टेबल सबको याद होती है ना, 15 × 5 = 75 कैरी 7, 15 × 7 = 105, 105 + 7 = 112 का 12, अब कैरी क्या है 11, 15 × 2 = 30, 11 = 41 का 1 कैरी रह गया 4, और 15 × 6 = 90, और 4 = 94 का 4, फिर कैरी 9, 15 × 2 = 30 और 9 = 39, 3 डिजिट के बाद डेसिमल। तो ये आंसर हो गया, और ये किस में था, लीटर में, 394.125 लीटर। इसका मतलब क्या, डेसिमल से पहले वाला तो लीटर में, डेसिमल के बाद मिली लीटर में, इसको ऐसे भी ले सकते हो 394 लीटर 125 लीटर 25 मिली लीटर। लेकिन यहाँ नहीं लिखना, क्योंकि हमें डेसिमल कन्वर्ट करना था, और डेसिमल कन्वर्ट करने के बाद हमें प्रोडक्ट करना था 15 से, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है ना, इतने लीटर। क्लियर, लीटर। चलिए करते हैं लास्ट पार्ट, डी पार्ट। डी पार्ट में 4 किलोमीटर 4 मीटर, इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है। चलिए करते हैं, 4 किलोमीटर जल्दी से लिख दूँ प्लस 4 मीटर से ऐसे लिख दिया मैंने, 4 4 4 निकल रहा है, 7 किलोमीटर + 4 मीटर, तो 7 + ये तो किलोमीटर है, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड, और ये कन्वर्ट हो गया किलोमीटर में, तो कितना हो गया 7 + 0.004, तो ये डेसिमल कन्वर्ट हो गया 7.004। अब इसका मल्टीपल करना हमें 13 से, चलिए करते हैं, तो ये तो कुछ ज़्यादा ईजी हो गया, 7.004 × 13, 13 × 4 = 52 तो ये आ गया, और 0 का 0 रहेगा, और 13 × 7 = 91 होते हैं 3 डिजिट के बाद, तो ये आ गया 91.052 किलोमीटर, और ये प्रोडक्ट हमने करा था तो ये क्या था, किलोमीटर चलेगा, बस खत्म। तो ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 है, राइट इन डेसिमल एंड फाइंड द कोसेंट एंड द रिमाइंडर। उसमें प्रोडक्ट करा था, यहां डिवाइड करा रहा है, 8 किलोमीटर 5 मीटर 1 mm। ओहो, ये थोड़ा इसमें तीन तीन चीजें रखी, उसमें दो ही चीज थी, इसको पहले हमें डेसिमल कन्वर्ट करना है, फिर डिवाइड करना है 12 से, कैसे होगा समझाते हैं आपको। तो ये ए पार्ट मैंने लिख लिया फिफ्थ का, 8 किलोमीटर 5 मीटर 1 mm का मतलब मिलीमीटर, और डिवाइडेड करना है इसको 12 में, पहले हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब जब तीन यूनिट हों, जब अगर सिर्फ दो यूनिट होती तो हमने बताया था कि इसमें कन्वर्ट करो बड़े वाले में, कर तो इसको भी सकते हो, तीनों को सबको बता के किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो, लेकिन अगर सिर्फ तीन यूनिट था बीच वाले में कन्वर्ट कर लो, यानी कि 8 किलोमीटर 5 मीटर 1 mm को लिख लो आप मीटर में, तब भी डेसिमल कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, आंसर आपके बुक में है नहीं, वरना मैं दोनों तरीके से तब तक आंसर से वगैरह जो भी हो, तो हम बीच वाले में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। कैसे होगा देखो सॉल्यूशन, पहले तो हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, 8 किलोमीटर 5 मीटर 1 मिलीमीटर, इसका मतलब क्या है, अलग अलग करके लिख देते हैं, 8 किलोमीटर है ये प्लस 5 मीटर है प्लस 1 मिलीमीटर, किलोमीटर को हम बीच वाले में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें 1000 से मल्टीपल, ये तो ऑलरेडी मीटर में ही, और मिलीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड, ये मत कर देना 0 से 0 कट है भैया, प्लस है बीच में इनटू नहीं है ना, तो कितना हो गया 8000 + 5 + 0.001, और ये सब कन्वर्ट हो गया मीटर में। क्लियर, तो देखें कितना आ गया, तो ये हो गया 8005.001 मीटर। अब हमें क्या करना है, 12 से डिवाइड, कोसेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है, तो 12 से डिवाइड कर दो, सिंपल जैसे डिवाइड करते हैं डेसिमल में वैसे करना हमें 0.001। 12 की टेबल पढ़िए आप, जब तक 18 आ जाए, तो 12 × 7 = कितने होते हैं, ज़्यादा हो गया 84, तो कितने टाइम्स आएगा ये 6 बार,
तो सिक्स बार सिक्स टेबल क्या होती है, 12 6 70 2, सही बोल रहे हैं आप लोग, 12 6 70 2, माइनस करा बोरो लिए 10 में से 2 गया 8, ये ब्रिंग डाउन कर लिया यहाँ 0, फिर 6 बार जाएगा 12 6 70 2, फिर सबट्रैक्ट करा आ गया 8, फिर ये ब्रिंग डाउन कर लिया क्या आ गया 5, अब कितनी बार चला जाएगा 12 7 जा कितने होते हैं 84, तो ये 7 बार चला जाएगा 12 7 जा 84, 5 में से 4 सबट्रैक्ट करा 1, ये डेसिमल यहाँ लगाओ, डेसिमल के अगले डिजिट्स यहाँ ब्रिंग डाउन कर लो। अब क्या हुआ 12 का टेबल में 10 बार तो जाएगा नहीं 12 में 12, तो जिसको बोलते हैं ना जाने की 0, और आगे वाला एक को ब्रिंग डाउन कर लो, फिर 12 8 जा 96, कितना बच्चा 4, फिर 1 ब्रिंग डाउन कर लो, बिल्कुल मैं बच्चों की तरह समझा रहा हूँ आपको, अगर नहीं आता तो सीख लो द्वार से। अब 12 4 जा 48 ज़्यादा हो गया तो 3 टाइम जाएगा, 12 3 जा 36, माइनस करा क्या आ गया 5। तो एक आंसर तो जब डेसिमल में कन्वर्ट करना था ये हो गया 8005.001 मीटर। अब क्वेश्चन कितना हो गया 667.083 और रिमाइंडर कितना आ गया 5, तो लिख दो क्वेश्चन को हम शॉर्ट में क्यू से लिख देते हैं, ये हो गया 667.083 आर फॉर रिमाइंडर कैपिटल आर रिमाइंडर और रिमाइंडर हो गया 5 और ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ ए पार्ट। ओके चलिए करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट है 56 kg 449 ग्राम, इसमें दो यूनिट है किलोग्राम ग्राम, तो इसको क्या करो दो ही होंगे तो सब बड़े में कन्वर्ट करेंगे केजी में, तो पहले तो मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये इक्वल कितना हो गया 56 kg + 449, और ये जी है ग्राम 9 में समझ लेना, और ये भी 9 है, 9 और जी मेरा एक सा लग रहा है इसलिए मैंने बोला, तो ये 56 kg + 449 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड और ये कन्वर्ट हो गया किलोग्राम में, तो 56.0449 kg, तो ये आ गया 56 + 0.449 kg। अब डिवाइड किससे करना हमें 9 से, चलिए 9 से डिवाइड करके दिखाते हैं 56.449, क्लियर करें डिवाइड। 9 की टेबल तो भाई पूरी पूरी उम्मीद है मुझे आप लोगों को आती होगी, अगर नहीं आती तो खुद ही अपनी पिटाई लगा लो। ओके 9 तो इजी है, तो 9 का टेबल 56 तक पढ़ो कितना है 9 6 जा 54, सबट्रैक्ट करें 6 में से 4 गया 2, डेसिमल यहाँ लगाया, ये हमने ब्रिंग डाउन कर लिया, 9 3 27 ज़्यादा हो गया तो 9 2 जा 18, 24 में से 18 सबट्रैक्ट करेंगे 6, नेक्स्ट फिर हमने उतार लिया तो 9 7 जा 63, 4 में से 3 गया 1, नेक्स्ट ब्रिंग डाउन हो गया 9 और 9 2 जा 18, रिमाइंडर आ गया 1, तो इसमें क्वेश्चन कितना हो गया 6.272 एंड रिमाइंडर इज 1 और डेसिमल कन्वर्ट हो गया था ये, तो लिख दो कोशेंट इज 6.272 आर फॉर रिमाइंडर और रिमाइंडर है इसमें, तो ये भी कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट में 10 kg 5 g 1 mg को डिवाइड करना है 7, तो पहले डेसिमल में अब से 3 है तो बीच वाली क्या ग्राम, इन सबको ग्राम में कन्वर्ट कर लो, तो इसका मतलब क्या सॉल्यूशन में डायरेक्ट लिखता हूँ, एक लाइन में चल रहा हूँ, इसका मतलब है 10 kg + 5 g + 1 mg, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीपल ये ऐसी है ही, और मिलीग्राम क्योंकि ग्राम में ही, मिलीग्राम को करेंगे तो 1000 से डिवाइड और ये पूरा मिलकर कन्वर्ट हो गया जी फॉर ग्राम, तो कितना हो गया 10000 तो ये आ गया +5 + 0.001, तो 10005.001 इसमें कन्वर्ट कर दे, इतने ग्राम हो गए तो डेसिमल तो ये कन्वर्ट हो चुका, अब हमें 7 से डिवाइड करना है, तो ये भी इजी है, इजी तो है लेकिन बीच में कुछ ज़्यादा जीरो है तो हमने देखा पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, तो देखो 7 से डिवाइड कर रहे हैं 1005.001 में 7 बन जा 7 और 10 में से 7 गया तो 3 ब्रिंग, ऐसे आप एरो बना लिखो, आप छोटे स्टैंडर्ड की बात चल रही है, 5th 6th तक के बच्चे मिस्टेक करते भूल ही जाते हैं क्या होता है क्या नहीं, इसलिए मैंने ऊपर भी सॉल्व करा होगा, देखो दो करें सब ऐसी दिक्कत है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, तो ये ब्रिंग डाउन कर लिया 0 आ गया, 7 के टेबल आप रीड करो जब तक 13 आया, तो 7 4 जा 28 30 में से 28 2, नेक्स्ट आगे वाला 0 ब्रिंग डाउन कर लिया 7 2 जा
14, क्योंकि 7 3 जाए तो 21 ज़्यादा हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करा तो 6, अब क्या आ गया 5, तो 5 ब्रिंग डाउन कर लूँ, 7 9 जा 63, 5 में से 3 गया 2, डेसिमल आ गया तो डेसिमल को यहाँ लगाओ, उसके आगे वाला 0 ब्रिंग डाउन कर लो, फिर क्या आ जाएगा 7 2 जा 14, फिर ब्रिंग डाउन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ ना, जानते नीचे लिखना, ब्रिंग डाउन का तो यहाँ आ गया 6 बचा, ठीक है ना। अब इसके नेक्स्ट वाला 0 उतरेगा वो यहाँ आ जाएगा, 7 8 जा 56 है ये, माइनस करा 4, अब ये आगे वाला 1, ये लास्ट था, 7 5 जा 35, सब्ट्रैक्ट करा तो 6 आ गया रिमाइंडर, तो क्वेश्चन इतना हो गया और रिमाइंडर हो गया इसका 6, तो यहीं लिख देता हूँ, स्पेस कम है, पेज भर चुका है, तो क्वेश्चन इज 1429.285 एंड द रिमाइंडर इज 6, क्लियर। ओके चलिए करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, डी पार्ट। डी पार्ट में है 6 किलोलीटर 9 लीटर, दो ही हैं तो बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है, सॉल्यूशन देखें इसका, क्या करें हम 6 किलोलीटर 9 लीटर को कन्वर्ट कर ले रहे हैं किलो लीटर में, तो 6 किलोलीटर तो यही प्लस 9 लीटर, 6 प्लस 9 का डिवाइड 9 में डिवाइड कर दे सॉरी 1000 से और ये कन्वर्ट हो गया किलो लीटर में, तो 6 प्लस 0.009 किलो लीटर, तो ये आ गया 6.009 किलो लीटर, किलो लीटर में कन्वर्ट हो गया, डिवाइड करना है 13 से, ये अच्छा सवाल है, अच्छा है क्योंकि पहली बार नहीं जाएगा, 6.009 डेसिमल से पहले होल्ड पढ़ने ना जाने की जीरो से लिखते हैं किलो, और यहाँ लिख लो, चलो आप लोग कुछ कन्फ्यूजन उतार लिया, अब डेसिमल लगाएंगे आगे उतार लो जीरो, 13 5 जा 65 ज़्यादा हो गया तो यानी कि 4 बढ़ जाएगा, 13 4 जा 52 माइनस करा 60 में से 52 सब करा 8 फिर ये उतार लिया, 13 6 जा 78 2 बचा और ब्रिंग डाउन ये 9, 13 2 जा 26 सब्ट्रैक्ट करा 3 हो गया, तो कोशेंट आ गया, कोशेंट है हमारे पास 0.462 एंड द रिमाइंडर इज 3, तो ये क्वेश्चन आपका 5 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, अ पाइल ऑफ 10 बिस्किट्स इज 120 mm हाई, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ वन बिस्किट, पाइल का मतलब एक के ऊपर एक बखन ना, ढेर जिसे बोलते हैं, तो 10 बिस्किट एक के ऊपर एक बिस्किट रखेंगे 10, तो उन सबकी हाइट बैठी 120 मिलीमीटर, तो थिकनेस ऑफ वन बिस्किट फाइंड करनी है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ वन बिस्किट, तो क्या करेंगे 10 का डिवाइड कर देंगे तो ओरली आ गया 12 mm हो गए, कितना छोटा सवाल है लेकिन करना तो ही करते हैं, चलिए तो लैंग्वेज छोटी छोटी लैंग्वेज तो लिखी लो, लिख लो हाइट ऑफ पाइल ऑफ 10 बिस्किट, 10 बिस्किट के पाइल की हाइट वो हमें देखी है 120 मिलीमीटर, तो एक बिस्किट की थिकनेस, मोटाई पूछिए, हाइट पूछिए, मोटाई से मतलब हाइट, अगर हाइट पूछिए तो थिकनेस एक को रखें तो कितनी मोटी है वो, तो क्या होगा 10 बिस्किट की मोटाई दे रखी है 120, तो एक की क्या होगा 10 से डिवाइड करते हैं सीधे सीधा, तो थिकनेस ऑफ वन बिस्किट वन ट्वेंटी डिवाइड करता अपॉन ही होता है अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया 12 मिलीमीटर, बस कंप्लीट क्वेश्चन 6। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है, रजत ट्रवल ट्रवल करता है यानी कि घूमता है, तैयारी वो क्या कहते हैं ट्रवल, ट्रवल ही होता है घूमना है ना, 120.42 किलोमीटर वाइड ट्रेन, रजत ने ट्रेन से इतने किलोमीटर घूमा, 12 किलोमीटर 800 मीटर वाइड टैक्सी, टैक्सी से 12.8 मीटर हो गया एंड 12.8 किलोमीटर है ना, और 2 किलोमीटर 20 मीटर बाई फीट पैदल गया 2 किलोमीटर 20 मीटर, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर बाई रजत इन मीटर, मीटर में निकालनी है तो क्या करेंगे तीनों को ऐड कर दें और मीटर में कन्वर्ट, या अलग अलग मीटर में कन्वर्ट करके तीनों को ऐड कर दो, वो आपकी चॉइस है, तो मैं करता हूँ तीनों को अलग मीटर में कन्वर्ट करके, कैसे होगा समझाते हैं, तो यहाँ लिख लो डिस्टेंस कवर बाई ट्रेन, वो दे रखी हमें
120.42 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सबको पता है, आपको भी पता है, 1000 से मल्टीपल करते हैं तो क्या जाएगा 120.420 मीटर। डेसिमल 3 डिजिट्स आ गए तो 1280 डाल लिया, सीधा सीधा बात हो गई क्लियर, क्योंकि मीटर में आंसर पूछा है। दूसरा है टैक्सी, तो डिस्टेंस कवर बाई टैक्सी, क्यों है रजत ने टैक्सी से कितनी डिस्टेंस कवर करी वो लिख लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाई, कवर्ड लिखना ईडी लगन हो गया, बाई टैक्सी, ये हमें दे रखा है 12 किलोमीटर 800 मीटर। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट के लिए क्या होता है, 1000 से मल्टीपल, दियो कितना हो जाएगा, लिख दूं डायरेक्ट 12,000 मीटर ये और 800 मीटर ये, तो कितना आ गया 12,800 मीटर। और बाई फीट पैदल चला 2 किलोमीटर 20 मीटर, डिस्टेंस कवर बाई फीट, वो दे रखा मैं 2 किलोमीटर 20 मीटर, तो 2 किलोमीटर में कितने 2000 मीटर तो ये हो गया प्लस 20 ये मीटर, तो मीटर मैंने कन्वर्ट कर लिया तो ये हो गया 2020 मीटर। तो क्या करेंगे, याली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों को ऐड कर दें तो यानी टोटल डिस्टेंस कवर बाई कौन था, रजत। ओके तो लिख दो टोटल डिस्टेंस कवर बाई रजत पहली थी, मैं लिख दे रहा हूं 120.420 मीटर प्लस दूसरी थी 12,800 मीटर, 12,800 मीटर और तीसरी 2020 मीटर, ऐड करें 0 + 0 + 0 = 0 मीटर में आंसर आएगा। 10 प्लेस डिजिट की 2 + 0 = 2 = 2 = 4 आ गया। अब 100 प्लेस में यहाँ 0 है, यहाँ 8 + 0 = 8 हो गया, 8 × 4 = 12 = 2 = 1 2 × 1 = 3 3 × 2 = 5 5 = 5 यहाँ तो कुछ नहीं बचा, यहाँ 1 2 3 और ये 1, तो इतने मीटर कितना हुआ 110,100,10,000 135,240 मीटर। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 7। नाउ करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसके बाद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन 8 है अ टोटल ऑफ 20.25 लीटर ऑफ अ सिरप इज पॉर्ड इक्वली इनटू 29 कंटेनर्स, हाउ मच सिरप इज पॉर्ड इनटू ईच कंटेनर। हमारे पास 20.25 लीटर सिरप है, इसको हमने पलट दिया 29 बर्तनों के छोटे छोटे बर्तन है कंटेनर है उसमें, तो बताना है, ये बताना है एक कंटेनर में कितना सिरप आएगा। तो क्या करेंगे, इसको हम किस में डिवाइड कर रहे हैं, 29 में, यानी 29 से इसमें डिवाइड कर दो आपका आंसर आ जाएगा। 29 से 20 में डिवाइड करोगे तो समझ में आ गया सीधे पॉइंट में आएगा, कोई छोटा है ना तो पॉइंट में लीटर है। दूसरा तरीका ये है, लीटर को आप मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लो, ऐसी भी आ सकता है ना, चलिए करते हैं बताते हैं आपको। तो यहां पर आप लिख लो अमाउंट ऑफ सिरप कितना हमारे पास है, कुछ तो लैंग्वेज लिखनी है आपको, तो छोटी छोटी लैंग्वेज लिखना सीखिए। अमाउंट ऑफ सिरप दे रखा है 20.25 लीटर, कितने में पॉड करा गया, इसे पॉड कराया इसे 29 कंटेनर, तो नंबर ऑफ कंटेनर्स ऐसे लिख दो, नंबर ऑफ कंटेनर्स 29, तो हाउ मच सिरप इज पॉड इनटू ईच कंटेनर, तो ईच कंटेनर हैज क्या होगा, टोटल कितना है 20.25, इसमें डिवाइड कर दो 29 से, तो ये आंसर आ जाएगा लीटर में। अब डिवाइड ऐसे करके शो कर दिखा दो आप, 20.25 29 का 20 में नहीं जाएगा, ना जाने के जीरो से गुलते हैं, उतार लेते हैं 20, ये पूरा सीख लो आप, डेसिमल यहाँ लगाओ, ब्रिंग डाउन 2, 29 की टेबल अगर ये 30 मान लो तो 37 या 210, तो 7 से कमी बार जाएगा, एक ही तो कम है 29, तो 6 बार चला जाएगा, एक बार देखने पहले 6 9 54 कैरी 5 6 2 12 और 5 17 चला गया,
देखो 7 से जाएगा नहीं, 7 यानी 63, एक ज़्यादा बैठ रहा है 6, 7 टू जा 14 और 6 कितना हो गया 20, ज़्यादा हो गया ना, 6 बार जाएगा, 6 9 जा 54, कैरी 5, 6 टू जा 12, 5 17, सबट्रैक्ट करो 12 में से 8 गया, हाँ मेरा जी चलता आंसर पहले लिख दूँ, 4 है, 12 में से 4 गया 8, यहाँ 10 था बोरो लिन के बाद बन रहा गया तो 9 में से 7 गया 3 रह गया बस। अब आगे वाले डिजिट्स क्या, 5 को आप ब्रिंग डाउन कर लो, तो 20 290 से कम है तो 9 बार ही जाएगा, 10 बार तो ये होता है तो 9 बार चला गया, सीसी बात 9 जा 81, कैरी कितना हुआ 8, 9 टू जा 18 और 8 26, फिर सबट्रैक्ट कर दो 5 है ये, हाँ 5 भी तो था, 5 उतारा था, तो 5 में से 1 गया 4, 8 में से 6 गया 2 और 2 में से 2 गया 0, लिखने की जरूरत नहीं है, अब तो जाएगा नहीं तो डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है तो यहाँ हम 0 बढ़ा सकते हैं ये तो जानते हो, तो एक 0 बढ़ा लिया, अब कितनी बार चला जाएगा 249 बार गया है, 61 आ रहा है और थोड़ा सा कम है तो 8 बार और चला जाएगा, तो 8 9 जा 72, कैरी 7, 8 2 जा 16 और 7 23, तो इतने डिजिट्स तक बहुत है, और लिखना चाहें आप और लिख सकते हो, तो इतने लीटर हो गया, तो ईच कंटेनर हैज अप्रॉक्स 0.698 या 0.7 भी आप लिख सकते हो अप्रॉक्स, है ना, तो आंसर हो गया, आंसर इज ईच कंटेनर है 0.698 लीटर सीरम। ओके तो इसी के साथ ये आपकी प्रैक्टिस सीट ऑफ चैप्टर 10 मेजरमेंट की कंप्लीट हुई, मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गई होगी, फिर भी अगर आपको अभी भी किसी क्वेश्चनों की डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।